सबसे पहले बात करते हैं मेरठ की, जहां मेरठ में आज अज्ञात बदमाशों ने एक सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया। एक व्यापारी के घर में बदमाशों ने खौफनाक तरीके से लूट की और व्यापारी के बेटे की हत्या कर डाली। यही नहीं, बदमाशों ने व्यापारी के बेटे को फांसी के फंदे पर लटका दिया। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई। आपको बता दें कि सेक्टर 6 में किराना व्यापारी के बेटे की बदमाशों ने घर में घुसकर डकैती के बाद हत्या कर दी। बदमाश घर में रखे लाखों रुपए का कैश और ज्वेलरी भी लूटकर फरार हो गए। वहीं हत्या के बाद बदमाशों ने व्यापारी के शव को अंदर के कमरे में ले जाकर फंदे पर लटका दिया। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। सूचना पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और व्यापारी के बेटे के शव को पंखे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। लखनऊ के थाना ठाकुरगंज इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अपनी नाराज हुई पत्नी को घर लाने के लिए समझाने गए पति ने बातचीत के दौरान पत्नी और उसके प्रेमी पर गोली चला दी। गोली चलने की आवाज सुन दौड़े लोगों से बचने के लिए आरोपी पति मौके से फरार हो गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने घायल प्रेमी और प्रेमिका को पुलिस को सूचना देने के बाद इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। फिलहाल दोनों की हालत स्थिर है। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। हरियाणा में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अपने आप को सीएम का चेहरा साबित करने के लिए धड़ाधड़ रैलियां कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पानीपत के कुराना गांव में बदलाव रैली की। रैली में सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमले किए और लोगों से कहा कि बीजेपी की विदाई का समय आ गया है। बदलाव रैली के मंच पर आते ही रणदीप सुरजेवाला पीएम मोदी और खट्टर सरकार पर जमकर बरसे। रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल खट्टर को गुरु और चेले की उपाधि दे डाली। इतना ही नहीं, रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को झूठा, ठग और धोखेबाज तक करार दिया। सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा की बीजेपी सरकार हो या फिर केंद्र की मोदी सरकार हो, दोनों ने अपने कार्यकाल में सिर्फ जुमलेबाजी की है, घोषणाएं की है। मोदी और खट्टर साहब की जोड़ी के द्वारा का अब देश और प्रदेश में रहना नामुमकिन है। आजकल वो एक नया नारा चलाते हैं, पर सच्चाई ये है, मोदी और खट्टर दोनों का अब लोगों द्वारा स्वीकारा जाना नामुमकिन है, क्योंकि ठगी, धोखा और झूठ मोदी खट्टर की जोड़ी का तकिया कलाम बन गया है। कहाँ है 15 लाख, कहाँ है जनधन खातों में वो 15-15 लाख जो करोड़ों खाते खुले उनके अंदर जो पैसा जमा होना था, कहाँ है प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां नौजवानों के लिए, कहाँ है किसान को लागत पर 50% मुनाफा, कहाँ है हरियाणा के नौजवानों को 9,000 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता, कहाँ है हरियाणा में एक परिवार एक रोजगार का वायदा, कहाँ है एक सर के बदले 10 सर लाने का वादा, कहाँ है 56 इंच का सीना और वो लाल आंख जो आपको पाकिस्तान और चीन को दिखानी थी। सच्चाई ये है कि मोदी साहब और खट्टर साहब दोनों के वादे खोखले, झूठ, जुमले, धोखा साबित हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो कर दिखाया है राहुल जी के नेतृत्व में, मैंने उसी की चर्चा की। हमारा ये निश्चय है कि 1 लाख रुपए तक का किसान और खेत मजदूर का कर्जा कांग्रेस की सरकार आने पर हम माफ करेंगे, ताकि वो एक नए जीवन की शुरुआत कर सके। खास तौर से जो हमारे गरीब समाज के साथी हैं, हमारी बहनें हैं जो राशन को लेकर मोहताज रहती हैं, एक नई स्कीम आटा दाल चीनी स्कीम का पदार्पण करेंगे, जिसमें गुलाबी और पीले राशन कार्ड की भिन्नता को हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। हमने ये भी निर्णय किया है कि बैकवर्ड के जो हमारे साथी हैं, बैकवर्ड को 21 साल बीजेपी और उनके साथियों का शासन हरियाणा में रहा और 17 साल देश में बीजेपी का शासन रहा आज तक, बैकवर्ड को 1% का फायदा कभी भारतीय जनता पार्टी या उसके मित्रों की सरकारों ने दिया हो तो बताइए। आज तक का सारा आरक्षण का लाभ और बैकवर्ड के लिए सारी स्कीम्स का लाभ हमेशा कांग्रेस पार्टी ने दिया, इसलिए मैंने साल के साथ वो यहाँ गिनाई। और एक बात और कहूँगा, 5 साल तक नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन मोदी जी ने नहीं किया, और अब अगर किया है
तो उसके सदस्य ही नहीं बनाए, और बैकवर्ड कमीशन में बैकवर्ड का मेंबर नहीं होगा तो कौन से समाज का होगा। जब राहुल जी ने ये बात रखी तो उसे अस्वीकार कर दिया। सच्चाई ये है कि वो अनुसूचित जाति के साथी हों, वो बैकवर्ड के साथी हों, वो सामान्य वर्ग के किसान मजदूर दुकानदार हमारे भाई और साथी हों, वो मोदी और खट्टर सरकारों के की दुत्कार झेल रहे हैं और अब उनको चलता करने का समय आ गया है। हमने एक से अधिक बार कहा, राहुल गांधी जी ने स्वयं कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और पूरा देश ये चाहता है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के नाक का सर कुचल दिया जाए और हमारी सेना और हमारी सरकार जो कार्रवाई करेगी निर्णायक और ठोस, पूरा देश समेत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हम उसका समर्थन करते हैं। मेरा ये मत है कि हर हिंदुस्तान के सबसे तजर्बेकार और वरिष्ठ राजनीतिज्ञ श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब को राहुल गांधी जी ने सोच समझकर हरियाणा का प्रभारी बनाया है। वो बहुत व्यापक मंत्रणा सब साथियों से कर चुके और बहुत जल्दी वो अलग अलग तरीके से कांग्रेस के संगठन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं और साथियों को जोड़ने की घोषणा करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। कल हरियाणा का बजट आ रहा है, कुछ एज्यूम कर रहे हैं क्या हो सकता है पब्लिक इंटरेस्ट में? 5 साल में जब खोखली खट्टर सरकार ने कुछ नहीं किया तो अब जब उनकी विदाई का समय आ गया है, जैसे मोदी जी ने झूठ का पुलिंदा घड़ दिया, आपका क्या ख्याल है कि खट्टर साहब उनका अनुसरण नहीं करेंगे? गुरु और चेले बात तो इकट्ठी एक ही जैसी करते हैं। जो भी इस बजट में घोषणाएं की लोक लुभावनी, एक भी लागू नहीं की मोदी जी ने, कहा कि अगली सरकार करेगी, अगली बार आप सरकार में ही नहीं होंगे तो लागू कैसे करेंगे। सर, आपके ट्वीट पे काफी बवाल मचा रहा बीजेपी ने अपने पुलवामा अटैक के बाद, उस पे क्या कहना चाहिए? मैंने जो भी बात थी वो सारी अभी बताई कि पुलवामा का जो हमला, मेरा ट्वीट नहीं था, मैंने बाकायदा सबूत दिया था कि पुलवामा में हमारे जवान 3:10 पर शहीद हुए जब एक दुर्दांत उग्रवादी ने एक RDX लेडन व्हीकल CRPF के कॉन्वॉय के अंदर लाकर रैम किया और उसमें हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। मोदी जी क्या कर रहे थे जो देश के प्रधानमंत्री हैं? प्रधानमंत्री की बजाय परिधान मंत्री बने हुए थे, कपड़े बदल बदल कर फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, 3:10 to 6:45 तक फिल्म की शूटिंग करते रहे, कपड़े बदलते रहे। वो शाहरुख खान है या अमिताभ बच्चन है? देश के प्रधानमंत्री को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अध्यक्षता कर उग्रवादियों को सजा देनी चाहिए थी, पर जिस देश का प्रधानमंत्री, हम पूरा देश में मातम था, वहां चूल्हा नहीं जला और PWD रेस्ट हाउस का रिकॉर्ड कहता है कि वो चाय नाश्ते पकौड़े उड़ा रहे थे। देश का प्रधानमंत्री अगर इतना संवेदनहीन होगा और देश को शर्मसार करेगा तो देश को नेतृत्व कौन देगा? और हम आज भी उस बात पर अडिग हैं, मोदी जी ने जवाब नहीं दिया उसका। लोकसभा चुनाव में जीत दोहराने के लिए भाजपा ने जातीय समीकरण बिठाना शुरू कर दिया है। इसी प्रयास में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम राज्य मंत्री बाबूराम निषाद महोबा पहुंचे। उन्होंने आल्हा चौक स्थित अम्बेडकर पार्क में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की सामाजिक प्रतिनिधि सम्मान समारोह में समाज सेवियों को सम्मानित किया। शहर के आल्हा चौक में समारोह को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री बाबूराम निषाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सबके हितों में काम भी कर रही है, इसलिए सभी की जिम्मेदारी है कि आगामी लोकसभा चुनाव में फिर से भाजपा की सरकार बनवाए। उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि सैनिकों पर हो रहे हमले का बदला लिया जाएगा, पाकिस्तान की गंदी नीति के कारण आज पाकिस्तान कंगाले पर पहुंच गया है। निषाद, रायकवार, कश्यप, बिंद, भीमर, बाथम का एक सामाजिक प्रतिनिधि सम्मान समारोह का ये कार्यक्रम है जिसके संयोजक मोहनलाल रायकवार जी और अन्य वरिष्ठ ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने आयोजित किया है, उसी में मुझे आने का हुआ है। क्या कार्यक्रम रखा गया इसमें? जो समाज क्षेत्र में, क्योंकि बहुत पिछड़ा समाज है, ये गरीब समाज है, शिक्षा के क्षेत्र में भी, रोजगार के क्षेत्र में भी पिछड़ा है, इस नाते ऐसे बहुत वरिष्ठ जन हैं जो अपना अथक परिश्रम करके ऐसे समाज के बीच में काम करते हैं, तो उनको सम्मानित करने का इन वरिष्ठ जनों ने कार्यक्रम किया कि भाई समाज क्षेत्र में जो लोग इस समुदाय को
आगे ले जाने के लिए, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, उनकी चिकित्सा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोटी रोजगार के लिए जो लोग समय देते हैं और अपने खून पसीने की कमाई को उनके बेसहारा बच्चों को मदद देते हैं, तो निश्चित रूप से उनका भी सम्मान होना चाहिए जो समाज क्षेत्र में ऐसा सब प्रयास करते हैं। तो इसी निमित्त ये कार्यक्रम है और इसमें ढेर सारे लोगों को देखो अभी हमने मेडल पहनाया है, कुछ लोगों को प्रतीक चिन्ह है वो भी भेंट किया जाएगा। तो मूलतः सामाजिक क्षेत्र में ऐसे समाज सेवियों को सम्मानित करने। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर जहां राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं, वहीं पुलिस प्रशासन भी चुनावी तैयारियों को लेकर लगातार बैठक कर रहा है। मुरादाबाद जनपद में आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पुलिस अधिकारियों के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक हुई। बैठक में बरेली जोन से सभी जिलों के पुलिस कप्तानों के साथ उत्तराखंड के सीमावर्ती जनपदों के कप्तानों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। सर, आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पुलिस अधिकारियों के बीच एक बैठक का आयोजन हुआ था चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव 2020 को लेकर। क्या क्या आप लोगों द्वारा निर्णय लिए गए हैं और किस तरह से शांति व्यवस्था बनाए रही, चुनाव में कोई व्यवधान आए उसके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? ये आगामी लोकसभा 2019 के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेते हुए जनपद मुरादाबाद में बरेली जोन के जिले और उत्तरांचल के वो जिले जो आपस में बॉर्डरिंग हैं, उन सभी जिले के पुलिस के जो प्रभारी हैं उनके बीच में एक समन्वय बैठक हुई। कई बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है जो आगामी चुनावों में दोनों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। कहाँ कहाँ कंबाइंड चेकिंग जोन है, कौन से रास्ते हमारे ऐसे हैं, कौन लोग हैं जिनसे प्रभावित हो सकता है चुनाव या जिस पे वॉच रखी जानी है, सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए एक कंबाइंड प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया गया। इसमें माइक्रो लेवल जो तैयारी है वह कप्तान साहब लोग आके देखेंगे। इसमें लोकसभा चुनाव, जो कच्ची शराब के विरुद्ध कार्रवाइयाँ की जानी हैं उनके संबंध में विस्तृत बैठक हुई। साथ ही साथ जो अभी कांवड़ होने जा रहा है उस कांवड़ के ऊपर भी विस्तृत चर्चा की गई उसकी तैयारियों को लेके। उसमें यहाँ बिजनौर और रामपुर प्रभावित है, उधर ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, उनके एसपी जो हैं उन्होंने आपस में अरेंजमेंट्स को लेकर विस्तृत चर्चा की है। और अब आगे जो माइक्रो लेवल प्लानिंग है वो भी अपनी कर रही है, जिससे ये इवेंट त्यौहार सकुशल के साथ ही साथ चुनावों को लेके भी जो उनकी तैयारियां हैं वो भी पूरी हो सकती। सर, इंटरस्टेट बैरिकेडिंग लगाने के लिए जी इसमें चुनाव के जितने बिंदु हैं, कहाँ कहाँ इंटरस्टेट बैरिकेडिंग होनी है, कहाँ कहाँ आपकी टिकट्स लगनी है, किधर फोर्स की ड्यूटीज़ लगनी है, उन सभी पर विस्तृत चर्चा की गई। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा सर, ये माना जाता है चुनाव के वक्त बहुत सारे अपराधी जो उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तराखंड में, वो सीमाओं को पार करके चले जाते हैं, उनको रोकने के लिए क्या अभी से नज़र रखी जाए? अभी से जो भी पहले से ऑपरेशन हुए हैं वो भी प्लान किए हैं, कहाँ पर एरिया डोमिनेशन होना है, कहाँ पर जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं वो कहाँ कहाँ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने हैं, जिससे बिल्कुल एक फ्री फेयर पोल के लिए जो एटमोसफियर है वो बहुत अच्छा रहे, अभी अच्छा है, उसको और बेहतर करने का जो प्लान है वो सब यहाँ पे चर्चा है। थैंक यू सर। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था किस हद तक चौपट है, ये सतना के अगवा हुए मासूम बच्चों की हत्या के बाद साफ दिखाई दे रहा है। वहीं अब जबलपुर पुलिस पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। मामला गढ़ा थाना प्रभारी और एक आरक्षक से जुड़ा है, जिन पर एक डंपर मालिक ने डंपर छोड़ने की एवज में 35,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप लगाए हैं। सर, एक आरोप लगा है कि ये आरोप पुलिस की कार्रवाई जो लगातार चल रही है, अभी कुछ दिन पहले पाटन में भी अवैध तरीके से जो खनन हो रहा था, हाईवा डंपर गाड़ियां कर रही थी, उन्हें जब्त किया गया। हमारे यहाँ गढ़ा संजीवनी नगर की थानों में लगातार शिकायतें हो रही थी कि ओवरलोडेड जो गाड़ियां हैं बजरी की और गिट्टी की ये लगातार परिवहन कर रही है, लगातार कार्रवाइयां भी हो रही हैं। आरोप लगाया गया है लेकिन कोई प्रूफ नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। साक्ष्य हम इसकी जांच एडिशनल एसपी रैंक के ऑफिसर से कराएंगे, जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुरूप हम कार्रवाई करेंगे। जबलपुर में अवैध संबंधों के चलते एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची और उसे रास्ते से हटाने में सफल भी हो गई।
हालांकि गुनाहगार ज्यादा समय तक कानून के शिकंजे से बच नहीं सके और पुलिस ने इस साजिश में शामिल पत्नी और उसके प्रेमी को एक किशोर को गिरफ्तार कर लिया है। तो दो का मामला पाटन थाने में दर्ज किया गया है, जिसमें एक मर्ग हमने कायम किया था 22-23 तारीख को, डेड बॉडी 16 फरवरी को पाटन थाने में ये डेड बॉडी मिली थी, जिसमें प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था कि इसकी हत्या की गई है। उसके बाद जो हमारे सोर्सेस थे और मृतक के पिता ने जो जानकारी दी थी, उसके आधार पर हमने इश्तियाक सायरा भी और 15 वर्षीय एक युवक जो इसमें शामिल है, जिसको 10,000 रुपये का लालच दिया गया था, उसको पूछताछ किया गया तो सारा रहस्य सामने आया। इसमें मृतक की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई, सायरा बी की प्रेम संबंध उसके रिश्तेदार नंदोई इश्तियाक से थे। पहले मृतक को शराब पिलाया गया, उसके बाद जंगल में इनको मारा गया और मार के उनकी हत्या करके वहीं पे फेंक दिया गया था। बॉडी डिकम्पोज हो गई थी, 4-5 दिन पुरानी थी। 22-23 तारीख को हमें डेड बॉडी मिली थी। पाटन SDOP और वहाँ के कर्मचारियों ने काफ़ी अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया, परिणाम स्वरूप ये जो केस है वो ओपन हुआ। अभी कुछ ही दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को सीधे 6,000 रुपए सालाना किसान सम्मान निधि के तहत देने का ऐलान किया था, जिसे अमल में लाते हुए मुरादाबाद में किसानों का सम्मेलन के आयोजन किया गया, जिसमें 140 पात्र किसानों को किसान सम्मान निधि के प्रमाण पत्र दिए गए। किसान योजना जिसमें किसान सम्मान निधि के तहत जितने भी विकास खंड के किसान हैं, 5 एकड़ की जमीन जिनसे कम है, ऐसे किसानों को 2,000 रुपये के प्रथम किस्त 500 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से, यानी साल में 6,000 रुपये इनको दिया जाना है। वो आज उनको सम्मानित किया गया है, उनको बताया गया है कि पैसा आपके खाते में जा रहा है, प्रथम किस्त 2,000 रुपये। इसके लिए आज ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उनको योजना के बारे में भी जानकारी दी गई। हमारे माननीय प्रमुख जी भी थे, अभिषेक सिंह थे, हमारे जो जितने कर्मचारी हैं विकास खंड के, ग्राम पंचायत अधिकारी, तहसील के नायब तहसीलदार साहब हैं, सारे लेखपाल हैं, सब लोगों ने आज उपस्थित होकर के उनको आज सम्मानित किया है। सर, कितने किसानों को सम्मानित किया गया आज मेले में? टोटल विकास खंड में तो लगभग 46,000 किसान हैं जिनको इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। और आज जो प्रमुख जी के हाथों और मेरे हाथों से और अन्य जो हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि उनके हाथों से लगभग 500 लोगों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया है। से सब लोगों को लेखपाल यहाँ बैठ के प्रमाण पत्र भी दे रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसके तहत जो ऐसे लघु और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, उनके खाते में 6,000 रुपये वार्षिक जो है पैसा भेजा जाएगा, उसी के प्रमाण पत्र वितरण से संबंधित कार्यक्रम था ये। सर, कितने किसानों को प्रमाण पत्र दिए गए? यहाँ पास अभी तक 140 किसानों को दे दिया गया है और लेखपाल लोग अभी वहाँ हैं और कृषक भी यहाँ हैं और किसानों का भी दिया जा रहा है। सर, मुड़ा पांडे में किसानों की कितनी संख्या है लगभग? मुड़ा पांडे में किसानों की दो तरह से हमें सूचियाँ प्राप्त हुई थी, एक कृषि विभाग से, एक हमारे भूलेख के हिसाब से, तो जिसमें से लघु और सीमांत किसानों की संख्या लगभग 30,000 से ऊपर है। सर, क्या और भी जो किसान रह गए उन्हें भी दिए जाएंगे प्रमाण पत्र? हाँ, कि सभी को मिलेगा प्रमाण पत्र। एक प्रोसीजर है, ये तो अभी शुरुआत है, बाकी जो यहाँ नहीं आ पाए हैं उनको गांव में जाके प्रमाण पत्र बांटे जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय इस्पात मंत्री वीरेंद्र सिंह हिसार पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों को संबोधित किया और कहा कि बीजेपी सरकार ने खेती के अलावा किसानों को सम्मान देने के लिए जाति धर्म से ऊपर उठकर यह कदम उठाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में वृद्धि होना निश्चित है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CNN। तब तक के लिए नमस्कार।